पहले सब हम इनको पीटेंगे। तेरी माँ का तुड़ू नुड़ू मारे तुम्हें अम्मा हमके लेके भाग जाए और चाची हमका चापा तोरी अम्मा के चकरा चोरा है। देखो बच्चा तुम्हारी अम्मा हमें नहीं आई रहा एक बार तो एक कुंटल गेहूँ ले गए अच्छा होगा वापस नहीं गई जा बच्चा हम मारते तुम उनका छोड़ो खा बहुत आज उनका डेढ़ी सहित दिया क्या बिहार को आया अच्छा तुम्हारे चार बिहार को हूँ किताब लिया है नोटों की किताब बंद तुम्हारी आई कथरी मिला दी ऐसे अगर मारेगा तुम्हारी कथरी मिला दी और अब नहीं कहा क्या दिया सरदार जी जरा अपना वो ब्याज वाला सिस्टम था कट्टो तुमने गरीबों को बहुत सताया अब ये फूलन तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी ये तो तुमको पता है या तो हमको पता है तेरा क्या होगा सिरमा चल सरदार जी आने दो सर छत्तम साले तेरे घर में बिट्टी बहन क्या होता है साले साले पता लग गया तो साड़ियाँ लेकर के वही सर कहा कह के बिटिया जवान है दो छड़ी चलो साले बिधवागी बिधवागी बिधवा लोग बदल दे ये तालियां हो जानी चाहिए बन तुम जल्दी पहनो साड़ी नहीं चलाओ तुम्हारी हेलो नीचे
काम करबे ना कर मारो सारे हाथ लग रहा है कि माठा बेचने वाली है ये 9 महीना का लाग दो तुमने हवेलियों में बहुत मुजरे सुने आज फूलन तुम लोग गुजरा तुम्हारी हवेली उस लगी सुना कर बढ़िया तो बहुत चली गवा है।
तेरे पर जवानी चढ़ी थी ना, ये पलटा इतना आवाज है। अरे सारा बदन तेरा कोरा कोरा, अरे इतनी जगह है क्यों काली, अरे गोरे से हम सारे धोबी गर्म हो गए। किसकी बात कही थी? आज पर है या मोरी बहुत पीरा मोरे राजा लाल राम मोहसी राम से थी ये बात।
बदला से सरदार जी। सो हमने अपना बदला चुका लिया है। आप तो क्या जानते हो, डाकों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। या तो किसी मुठभेड़ मारे जाते हैं या तो पुलिस का शिकार होते हैं। इससे अच्छा ही है चलो हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं और सरकार को जो सजा देनी होगी वो हमें मंजूर होगा। आइए चलते हैं। इस इलाके में फूलन ने बहुत बड़ा धन मचा दिया है। बच्चे बच्चे को हर इंसान को जीने के लिए दुश्वार कर दिया है। चलो फूलन का पीछा करते हैं और उसे किसी न किसी हालत में आरेस्ट करते हैं या तो उसे तुरंत इंतजाम कर देते हैं। सोलन अब भागने की कोशिश की तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब छोड़िए फूलन, आज फूलन गोलियां बर्बाद नहीं करने आई है। आखिर करने के आई है? आप तुम्हें जिंदगी की वो हकीकत पता नहीं है। जिन हाथों में चूड़िया होनी चाहिए थी उसमें ये बंदूक कैसी, जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए थी उसमें मौत की लकीर कैसी। इंस्पेक्टर साहब वो लाल राम श्री राम हमारे समाज में जीने का अधिकार छीन लिया था, हमें बेइज्जत करके समाज में मुंह दिखाने कब नहीं छोड़ा। इसलिए फूलन अपनी हाथों में बंदूक उठाई और आज उन कुत्तों को उनकी कड़ी सजा उनकी मां से देकर आ रही हूँ। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरा बदला पूरा हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब मैं भी जानती हूँ कि शुरू करके आज तक कोई मुजरिम कानून से बचा नहीं है। इसलिए हम पूरे गिरोह सहित आत्मसमर्पण करते हैं और सरकार को जो सजा देना होगा हम सबको मंजूर होगा। ठीक है फूलन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं यही सोचता था कि आप किसी न किसी दिन अपने आप को कानून के हवाले कर दोगी। लेकिन फूलन देखिए, मैं अपने कानून की हिफाजत कर रहा था और तुम कानून का उल्लंघन कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभा रहे थे, अरे फूलन अपना कर्तव्य निभा रही थी, दोनों अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। मेरा मकसद पूरा हुआ। इंस्पेक्टर साहब चलो आप भी अपना मकसद पूरा करो। ठीक है फिर आराम आशीर्वाद। राजाराम यादव जी, राजाराम यादव जी ग्राम कुरेखेड़ निवासी 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है। संजय जी फूलन को गिरफ्तार करके थाने लेकर के आओ। ठीक है सर, आप चलिए। भाई भाई फूलन है आशीर्वाद। मुन्नूलाल आचार, मुन्नूलाल आचार एकदम इसी नाम के लिए 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है। बढ़े भाई फूलन बहुत जरूरी, इस भाग दौड़ में तुम बहुत थके, आप दौड़ा रहे थी और हम भाग रहे थे। चंद्र जी आप तो सबसे ही कश्मीर में हैं। और चंद्र जी दुनिया सुधर गई लेकिन तेरी पैर नहीं सुधरी। जब हम नहीं सुधरे तो हमारी पैंट कहाँ सुधरेगी। और फूलन आप हमारे साथ चली जेल, हम जेल में तुम्हें खाने पीने की और किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। अच्छा धन जी कम से कम तेरे जैसे इंसान अभी इस दुनिया में जिंदा है। चलिए हमारे साथ और कर चले हम पिता चाहे तुम्हें साथ में। अब तुम्हारे